बेकी, मामा ने स्मोकिंग शुरू कर दिया क्या? मामा? यार मामा और बाबा समझ रहे थे कि शायद मैंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया. एंड यू नो दैट आई हेट स्मोकिंग. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम. एनीवेज, बाबा को संभाल लेना. बाय. अलिफ मद आ. अलिफ मद आ. अलिफ मद आ. अलिफ मद आ. शाबाश. आ की आवाज कैसी होती है? आ आ आ. आ आ आ. साफ बोलो. आ आ आ. शाबाश. फिर कहो आ आ आ. मास्टर साहब, बार बार आ ना करो. मुर्गियां बढ़िया मुश्किल नाल पकड़ियां ने फिर नस जान गया. खामोश खामोश. शफीकुर्रहमान शफीकुर्रहमान. ठीक है, उस्ताद जी बुला रहे हैं. कहाँ घूम रहे थे? आवाज़ नहीं आती. मास्टर साहब, तुमने कितनी बार कहा है कि मुझे अपने असली नाम से पुकारा करो. चीका, मुझे शफीकुर्रहमान से समझ नहीं. बैठ जाओ बैठ जाओ. भाई धुन के बहुत पक्के हो अकबर चौधरी. जो दिल में ठान लिया वो करके ही रहे. अल्लाह का फजल है चाचा जी. कैसे हैं आप? बस दुआ है तुम्हारी. तुम लोग तख्ती लिखो. भाई तुम जैसे नौजवानों को देखकर मुझे बेहद खुशी होती. भाई आला तालीम हासिल करके तुम शहर में जाकर कहीं भी अच्छी से अच्छी मुलाजमत कर सकते थे, मगर तुमने गांव में रहकर इन बच्चों को, गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देनी शुरू कर दी. तालीम मुफ्त नहीं होती चाचा जी, अनमोल होती है. मुझे इस गाँव से मोहब्बत नहीं बल्कि अकीदत है. बड़े कर्ज हैं इस मिट्टी के मेरे ऊपर. मैं यहाँ कोई इल्म के दिए नहीं जला रहा हूँ इन बच्चों को तालीम देके. मैं तो इस मिट्टी का कर्ज अदा कर रहा हूँ. मास्टर साहब को फिर कोई मिल गया उर्दू मार मार के उसकी मत मार देंगे. सुना है कि इसीलिए वड्डे चौधरी साहब मास्टर जी को घर नहीं चिकने देते. ऐसी ऐसी उर्दू मारते हैं और काफ निकालते हैं कि हवेली चकरी जाती है. इसीलिए तो उनकी शादी नहीं हो रही. उनके आन के तो दो दो बच्चों के बाप हैं. काश तमाम नौजवानों की सोच तुम्हारे जैसी होती. सभी की ना सही, कम अज कम तुम्हारा छोटा भाई अस्कर ही तुम्हारे जैसा दर्दमंद दिल रखता. सुश, कुल को नहीं बुलाया तुमने? नहीं, एक्चुअली मुझे तुमसे ना कुछ बात, पर्सनल सी बात करनी है. मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ पता चले. पर्सनल बात? खैर तो है, कहीं तुम्हारे पति विनोद ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? Come on, Kim. हम लोगों को इस किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये प्रॉब्लम तो तुम लोगों के यहाँ होती है. रात को सोते हो ना तो इस फियर के साथ कि कहीं सुबह होते ही तुम्हारे हस्बैंड साहब तुम्हारे सिर पे लाके कोई दूसरी पीवी ना खड़ी कर दे. हाँ, कम से कम मेरे होते हुए विनोद दूसरी शादी तो नहीं कर सकता. My God, सुश, फिर तो तुम्हें ज्यादा डरना चाहिए. तुम तो बहुत खतरे में हो. कैसा खतरा? नहीं देखो ना, मेरे हस्बैंड को कम से कम ये फ्रीडम तो है ना कि वो मेरे होते हुए 3 शादियां और कर सकता है. और तुम्हारे हस्बैंड को ये फ्रीडम नहीं. किस दिन ऐसा ना हो कि शादी करने के लिए वो तुम्हें रास्ते से हटा दे. विनोद ऐसा कुछ भी नहीं करेगा. और वैसे भी किम, मैं तुमसे विनोद की नहीं राज की शादी की बात करने आई हूँ. राज? हाँ, लेकिन शादी करने के लिए तो वैसे राज भी तुम्हें रास्ते से हटा सकता है. Come on, Ken, वो मेरा बेटा है. मुझे पता है वो तुम्हारा बेटा है, इसलिए तो कह रही हूँ. मैं तुम उसके बारे में इतनी पोजेसिव हो कि मुझे नहीं लगता कि उसकी फैमिली लाइफ कभी भी सक्सेसफुल हो सकेगी. उसे अगर एक बीवी चाहिए ना तो उसकी माँ को गुड बाय कहना होगा.